मैं चुनाव जीती हूँ, मैं चुनाव हारी नहीं। जे आप लोग कह रहे कि चुनाव हारी है, मेरी जनता, मेरे कार्यकर्ता एक एक ने मुझे चुनाव जिताया है। मैंने 30,000 वोटों से लेकर 62,000-65,000 वोट कर लिए हैं, और इतना वोट बदलना बड़े मुश्किल की बात थी। आज तक आप इतिहास उठा के दोगे तो 30,000 से ज़्यादा वोट डबरा में भारतीय जनता पार्टी के नन जाए, लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं ने पूरा वोट को पलटाव कर दिया। जो कांग्रेस के गाँव थे उनसे बोलेंगे मैं जीत के आई हूँ, तो मैं जीती हूँ, मैं कहाँ से हार गई। सत्ता सरकार अपनी बनी है तो काय का हारवा है। एक कार्यकर्ता है, एक छोटा सा कार्यकर्ता सत्ता का बहुत बड़ा आदमी होता है, और मैं सत्ता में हूँ, सरकार में हूँ। ज्योता सिंधिया मेरे साथ हैं, माननीय बड़े भाई शिवराज सिंह चौहान मेरे साथ हैं, नरोत्तम मिश्रा मेरे साथ हैं, तो मैं कैसे चुनाव हार गई। और बहुमत की सरकार बनी, मैं तो इसी में बहुत खुश हूँ कि बहुमत से सरकार बनी है, पूरा बहुमत में सरकार बनी है। आपको लंगड़ी लूली सरकार ने 3 साल हमारी सरकार अच्छे से चलेगी, और इमरती देवी राजनीति भारतीय जनता पार्टी में करती थी और भारतीय जनता पार्टी में करेगी। दो बार लगातार आप जीतते हुए आ रहे हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी में आप गए, कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है? नहीं, कोई पार्टी से कुछ नहीं होता, पार्टी में जाने आने से कुछ नहीं होता। कुछ मेरी गलतियां होंगी जो मैं स्वीकार कर रही कि मेरे से भाई होंगी कुछ गलतियां, उस पर 2,500-2,500 वोट मेरे कट गए। अब मैं सब संभाल लूंगी 2 साल में। माना है कि डबरा से मेरी हार सुनिश्चित थी, ऐसा? हाँ, मैं बीजेपी में नहीं, वो तो मैंने नेताओं से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सीट न जाए, ये कांग्रेस की सीट है, तो मैं चुनाव हारूंगी, लेकिन फिर भी पूरी ताकत लगाऊंगी और मैं चुनाव जीतने की कोशिश करूंगी। 5,000 से वो जीते हैं तो मैं 2,500-3,000 वोट मुझे आ जाते, मैं जीत जाती, लेकिन कुछ ऐसा है कि मैंने जितने वोट पलट पाए उतने वोट मेरी जनता ने मेरे लिए पलटे हैं, और इमरती देवी चुनाव नहीं हारी, इमरती देवी चुनाव जीती है। नहीं, सीएम साहब ने कहा मैं आपका बड़ा भाई हूँ, मुख्यमंत्री हूँ, आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ हूँ। भाभी जी ने भी बात करी है, मुख्यमंत्री के घरवाली ने भी, मिसेज ने भी बात करी, उनने भी कही कि मैं बैठी हूँ दीदी, तो मैं कौन। कमलनाथ जी ने ये कहा था आइटम शॉप का पूरे 28 सीटों पर असर दिखा, आप क्या नहीं दिखा, तो जनता ने इस बात को? नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ, मैं उसी दिन से लग रही थी कि भगवान मैं जीतू न जीतू, लेकिन कमलनाथ का मोह काला जरूर होना चाहिए, तो कमलनाथ का मोह काला होगा, मैं तो उसी में खुश हूँ, उसी से तो इतनी खुशी झलक रही कि सरकार हमारी बनी, वो पूरे बहुमत में बनी, और कमलनाथ जी का चेहरा काला होगा, कमलनाथ जी चले गए मोह धोके। डबरा के विकास कार्य कैसे, क्या करेंगे? डबरा के विकास जैसे होने थे वैसे होंगे, जैसे सत्ता सरकार में होने थे उसी तरीके से इमरती देवी सत्ता सरकार में काम कराएगी, खुद खड़े होकर कराएगी। लेकिन अगर विधायक कोई बन गया तो विपक्ष में विधायक, ये हमने आपसे कहा है ये हैंड पंप लगा दे भाई, हम इनाम दे देंगे विधायक को, एक हैंड पंप भी नहीं लगा सकता है विधायक, विधायक के पास फंड ही रहना। अगर तनख्वाह में से लगा दे तो तनख्वाह ही तो एक मिलता है 1,65,000 को, 1.5 लाख को हेडपंप लगता है, बिना 1,10,000 में लगेंगे। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।